हरिओम नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल लाइफस्टाइल वेलनेस गुरु में। और हम आ जाए एक नए वीडियो के साथ। सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि आप सबको ढेर सारी सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। कहीं पे जाना है तो पेट्रोल तो लगेगा ही लगेगा, तो चलो ये पेट्रोल डलवा दिया और अब आगे बढ़ते हैं। आखिर में हम कपिलेश्वर महादेव के दर्शन का लाभ लेने पहुंच ही गए। महादेव के मंदिर में जाने की अनुभूति कुछ अलग सी होती है। कैसे भी उलझन हो, सब शांत हो जाती है। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, पीपल के पेड़ की जड़ में विष्णु जी बसते हैं, तन में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फलों में सभी देवता निवास करते हैं। यहाँ पर हमने पीपल के पेड़ की जल अर्पित करते प्रदक्षिणा किया। क्या दोस्तों आप जानते हैं भगवान विष्णु जी का आराध्य कौन है? महादेव। और महादेव का आराध्य कौन है? विष्णु जी। अब हम मंदिर में प्रवेश करने जा रहे थे, वहीं नंदी महाराज विराजमान थे, जो अपने इष्ट को हमेशा नेत्रों के सामने ही देखना चाहते हैं। इसी कारण से वो हमेशा शिव जी के सामने ही बैठते हैं। तो चलो दोस्तों, मैं आज आपको कपिलेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास सुनाता हूँ। इस मंदिर की स्थापना संवत 1313 में हुई थी, जो कि उसके पहले हिडंबा वंश से जाना जाता था। कपिल मुनि का आश्रम हुआ करता था। उसके पास में एक छोटा सा तालाब था और यहाँ पर पुलस्य ऋषि का भी आश्रम था और इस गांव का नामकरण भी उस पर से ही रखा गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इस शिवालय की स्थापना संवत 1313 में हुई। उसी दौरान द्वारका नामक गांव में दंदुपाल नाम का राजा रहता था। जब उसने इस तालाब में स्नान किया तो उसका कोल चला गया। जब वो दूसरी बार ब्राह्मणों के साथ आया, वहाँ पर उसने उस जगह पर देखा तो गौ माता का दूध वहाँ पर चढ़ता हुआ देखा। उसके बाद राजा ने खोदकाम करवाया, तब स्वयंभू शिवलिंग निकला। फिर राजा ने यहाँ पर सुंदर सा देवालय बनवाया और कपि मुनि का आश्रम था, इसलिए उस शिवलिंग का कपिलेश्वर महादेव का नाम दिया गया था। पार्थोवार यहाँ पर तभी से हर श्रावण मास में लोग भारी संख्या में दर्शन और तालाब में स्नान करने के लिए उमड़ते रहते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा और ऐसा ही वीडियो चाहिए तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस जगह का लोकेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, तो कृपया जरूर एक बार विजिट करिए। हर हर महादेव।